तो हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं रियलमी के किसी भी फ़ोन में ऐप लॉक को कैसे लगाते हैं बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सा ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन के सेटिंग से जो है वो रियलमी के किसी भी स्मार्टफोन में ऐप लॉक लगा सकते हैं। चलो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बस मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारा ट्रेंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार, आपको अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। तो फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे स्लाइड करके आना है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में प्रोसेस बताता हूँ वैसे वैसे आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देखो गाइस, सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड का, और नीचे में एक ऑप्शन है प्राइवेसी का। तो आपको ये प्राइवेसी वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको ऐप लॉक का एक बटन दिखेगा, तो ये ऐप लॉक वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा सेट प्राइवेसी पासवर्ड टू यूज़ ऐप लॉक, यहाँ पे सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं ऐप लॉक में तो पासवर्ड डाल सकते हैं, और अगर यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ चुनना चाहते हैं जैसे पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न भी लगा सकते हैं। तो चलो फिलहाल मैं पैटर्न लॉक इस्तेमाल करता हूँ। तो पैटर्न लॉक इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे एक पैटर्न सेट करना पड़ेगा ताकि कोई भी ऐप लॉक को जब आप खोलें तो आपको पैटर्न डालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक सिंपल सा पैटर्न लॉक यहाँ पे डाल दिया हूँ। डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब देना है। देखो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स पूछ रहा है आपसे। अगर आप ऐप लॉक का पासवर्ड भूल जाते हैं, ऐसे में आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको जो यहाँ पे आप डालोगे वो आंसर का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए आप उस आंसर को काफ़ी ध्यान से डालिएगा ताकि आपको याद रहे। तो मैंने अपना नाम ही डाल लिया है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप डन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका प्राइवेसी पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी एप्लीकेशन जो हैं वो पहले से सिलेक्ट आ जाएंगे, आपको किस किस एप्लीकेशन को लॉक करना है। अगर आपके और भी कोई एप्लीकेशन है जिसे आप लॉक करना चाहते हैं उसे आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो कुछ और एप्लीकेशन को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम फ्री फायर गेम को ही लॉक कर देते हैं। उसके बाद देखो गूगल प्ले को लॉक करते हैं, इंस्टाग्राम को लॉक कर देते हैं, काइन मास्टर को लॉक करते हैं, और उसके बाद लॉक 10 के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद करना क्या है गाइस, आपका लॉक जो है वो हो गया है, एप्लीकेशन लॉक हो चुका है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपको पता करना है कि लॉक आपका लगा या फिर नहीं। तो देखो मैंने क्या क्या एप्लीकेशंस में लॉक लगाया था, ये कॉल में भी डायलर में था, तो देखिए यहाँ पे डायलर में भी लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ से गाइस मैं हम व्हाट्सअप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा व्हाट्सअप लॉक हुआ या फिर नहीं। तो जैसे ही मैं व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा व्हाट्सअप लॉक बता रहा है, और जब तक कि मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालूँगा तब तक मैं इस ऐप लॉक को बाईपास नहीं कर पाऊँगा। तो आपने देखा कि काफ़ी आसानी से मैं इस फ़ोन के सेटिंग से अपना एप्लीकेशंस को लॉक कर लिया हूँ। इसके लिए मुझे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। इस तरह से आप भी अपने फ़ोन के किसी भी रियलमी डिवाइसेस में आप एप्लीकेशंस का लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी ढेर सारी हेल्प मैं आप सबके करता रहूँ और आप सबके लिए वीडियो लाता रहूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।